बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान मनीर, योर इंग्लिश टीचर। माय डियर 10 क्लास स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। दिस इज़ लेसन नंबर 4, और जो हमारा बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस डिफाइन किया है उसके मुताबिक चैप्टर 4 इज़ देयर। तो ऑलरेडी ये हम कर रहे थे, तो इसका पैराग्राफ नंबर, माई डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक योर बाल पॉइंट्स एंड रजिस्टर एज वेल, क्योंकि मैं इसके जो सिनोनिम्स और चीज़ें सारी बताने जा रहा हूँ उसको आप लिख लिया करें। यू शुड राइट ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन द रोड डिवेलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। हैंडलिंग होता है देखभाल करना, देखभाल करना, हैंडल हैंडल मैनेज कह सकते हैं, निबटना निबटना, हैंडलिंग हैंडल निबटना, मैनेज डील विद, और एक और वर्ड इसका होता है बेटा कोप विद। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ लिख लिया करें कोप विद। उसके बाद आप आ जाएं डिवेलप्स का मतलब होता है माइनर, हाँ माइनर कह दें आप, माइनर माइनर मीन मामूली छोटा सा, अनइम्पॉर्टेंट, पैटी, PETTY, पैटी होता है जी इसके लिए लफ्ज, प्रॉपर वर्ड पैटी, और स्मॉल कह सकते हैं सबसे आसान स्मॉल। और फिर है बच्चों डिवेलप लिखा हुआ, डिवेलप पैदा करना फ़रोग देना होता है, पैदा करना काज टू ग्रो और ब्रिंग आउट, टू ग्रो और ब्रिंग आउट। कितने लफ्ज मैंने दिए आपको अल्टरनेट, 3। सो टेक केयर ऑल दीज वर्ड्स। 3, सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। सेंस का मतलब होता है समझ बूझ, सेंस का मतलब होता है समझ बूझ, समझ बूझ, समझ बूझ, और अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, द प्रॉपर वर्ड है अंडरस्टैंडिंग। और फिर जो है कॉम्प्रिहेंशन, यस कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। अब आ गया जी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है जी कंट्रोल, और उर्दू में कह सकते हैं संभालना, कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन, यस दो वर्ड दे दिए मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कह दें, कंट्रोल कह दें, और ट्रीटमेंट भी चल जाएगा, ट्रीटमेंट भी चल जाएगा। सो हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन द रोड डिवेलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। और क्राइसिस का मतलब होता है बहरान, और ये हो गया नाउन, क्राइसिस बहरान नाउन। घर पर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात को संभालने से, संभालने से हैंडल, हैंडल आ गया ना, हैंडलिंग संभालने से, हंगामी हालात से निबटने का शऊर पैदा होता है। सेंस मीन शऊर, शऊर पैदा होता है, और क्राइसिस मैनेजमेंट होता है हंगामी हालात, हंगामी हालात। दिस मे प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। टैकल विद का मतलब होता है निबटना, और इसको कह सकते हैं आप डील विद कह लें आप, डील विद। दीज आर द वर्ड्स विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, बड़ी मेहनत से सोच सोच के आपके लिए बताता हूं मैं। डील विद, और फिर एक लफ्ज मैंने ऊपर भी बताया था आपको कोप विद, एक ही चीज है। हैंडल के लफ्ज और यहां पर टैकल विद ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही होंगे। टेक ऑन भी कह सकते हैं आप, ये बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब है, टेक ऑन निबटना। और एमरजेंसी होता है बेटा हंगामी सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल, क्राइसिस कह दें। अर्जेंसी, यस अर्जेंसी, अर्जेंसी URGENCY, डिफिकल्टी आसान से आसान, डिफिकल्टी। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद,
और ग्रेट कॉन्फिडेंस ये एडजेक्टिव और नाउन बन गया, भरपूर एतमाद। ओके, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर दिस इज अ वर्ब तैयार, और मे को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया। दिस मे प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, इससे लोग निहायत एतमाद के साथ विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ, इससे लोग निहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्को हंगामी हालात से, अनएक्सपेक्टेड का वर्ड आया हुआ ना बेटा, गैर मुतवक्को, अनएक्सपेक्टेड, ओके, विदाउट स्केड्यूल जिसको आप कह सकते हैं, इससे लोग निहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्को हंगामी हालात से निबटने के लिए तैयार हो सकते हैं। दिस मे प्रिपेयर पीपल, यानी ये लोगों को तैयार कर सकता है, या इससे लोग तैयार हो सकते हैं, लिसन अगेन, इससे लोग निहायत या भरपूर एतमाद के साथ गैर मुतवक्को हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, माइनर होता है मामूली सा, स्क्रैप्स कॉमन कह सकते हैं आप, माइनर कॉमन, स्क्रैप्स होता है बच्चों खराश, जिसको आप स्क्रैच भी कह दें, आप वाउंड कह दें, और एक वर्ड है ये आपके लिए नया तो होगा लेकिन यू मस्ट गेट सम न्यू वर्ड्स एज वेल, एब्रेशन, ABRASION, एब्रेशन, स्क्रैच, स्क्रैप, एब्रेशन, वाउंड, सो 4 to 5 वर्ड्स वी हैव नाउ इन आर पॉकेट राइट नाउ। यूजुअली होता है जी अमूमन, और डू नॉट नीड जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में, स्क्रैचेस बताया ना मैंने, खराशें, मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की जरूरत नहीं है या नहीं होती, बोथ आर करेक्ट, येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, येट ताहम कह सकते हैं आप, ताहम, ताहम, येट, प्रॉपर का मतलब होता है मुनासिब, सूटेबल कह दें आप, और अप्रोप्रिएट, यस, सूटेबल, अप्रोप्रिएट और प्रॉपर, और इन्फेक्शन टू अवॉइड होता है बचने के लिए, टू अवॉइड बचना, टू अवॉइड बचना, इन्फेक्शन जरासीम जदगी, और कॉन्टेमिनेशन, यस, इसके लिए आप, और ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, कॉन्टेमिनेशन, ओके, इन्फेक्शन का मैं बता रहा हूँ, और कॉम्प्लिकेशंस होता है पेचीदगी या मर्ज कह सकते हैं आप, लोग ये ना समझना जी पेचीदगी, ये मर्ज भी कह सकते हैं आप इसको, कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगी, डिजीज, डिसऑर्डर, डिजीज, डिसऑर्डर, पेचीदगी, कॉम्प्लिकेशंस, करेक्ट, येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ताहम जरासीम जदगी या दीगर खराबियों से अदर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन बताया ना मैंने, खराबियां, पेचीदगियां, ताहम जरासीम जदगी या दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है, प्रॉपर केयर,
दिस इज व्हाट एडजेक्टिव एंड नाउन. प्रॉपर केयर, मुनासिब एहतियात जरूरी है. फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल. फॉलोइंग गाइडलाइंस दर्ज ज़ैल उसूल. गाइडलाइंस उसूल कह सकते हैं आप. उसूल प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स कैन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ है. टू हैंडल, अगर इस टू हैंडल को अंडरलाइन करूं तो ये बच्चों आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा. टू हैंडल, निमटना. ऊपर बताया था मैंने हैंडल का, मैंने सबसे पहले बताया. ये देखें इस पैरे के सबसे पहला वर्ड क्या है, हैंडलिंग. उसके मैंने आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड कर दिए थे. मैनेज, डील विद, कोप विद, ओके, हैंडल. और क्राइसिस भी मैं आपको बता चुका हूँ. और क्राइसिस के मैं आपको सिनोनिम्स भी बता चुका हूँ. क्राइसिस बहरान, बहरान हंगामी सूरत हाल, डिफ़िकल्टी, अर्जेंसी, एमरजेंसी, सब चलेंगे. एंड टेक केयर ऑफ ऑल. टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना. टेक केयर ऑफ ऑल, टेक केयर ऑफ ऑल. ओके जी. फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल. दज़ल गाइडलाइंस, दज़ल रहनुमा उसूल, दज़ल उसूल. हंगामी हालात से निमटने के लिए क्राइसिस का लफ्ज़ आया हुआ ना, क्राइसिस का, तो इसका है जी हंगामी हालात, एमरजेंसी, डिफ़िकल्टी. दज़ल रहनुमा उसूल, हंगामी हालात से निमटने और सब की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं. कर सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीछे बेटा कैन आया हुआ है ना. ओके, सो दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर टू. इट्स ओवर. और उम्मीद है कि आपने ये सारे जो मैंने सिनोनिम्स और लेक्चर दिया है, इसको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा सुनेंगे आप. और फिर ये मेरा यकीन है, माई कन्विक्शन, कि आपको ये कभी भी जेन से नहीं निकलेगा. राइट दीज वर्ड्स एंड सिनोनिम्स डाउन एंड प्रिपेयर. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.